आज है हमारे पास पीट्रॉन की तरफ से आने वाले TWS एयरबड, जिसका नाम है बेसबर्ड 2। कुछ इस तरीके का बॉक्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 32 घंटे जो है इसमें आप म्यूजिक सुन सकते हैं। इसमें मिलने वाले फीचर जो है आपको साइड में मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि 10 मीटर की जो है रेंज मिलेगी, 13 mm का जो है डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिलेगा, टाइप सी पोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। दोनों एयरबड में आपको 35-35 mAh की बैटरी मिलेगी। इसके केस में 300 mAh की बैटरी मिलेगी और 1 घंटा जो है चार्ज करने में समय लेगा। 3 कलर ऑप्शन में इसको आप बाय कर सकते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। इस बॉक्स में आपको जो है ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसमें आपको यूजर मैनुअल नहीं मिलता, यहाँ पर ये बार कोड मिलता है। इसको स्कैन करके ओपन करेंगे, वहाँ से यूजर मैनुअल आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको एक टाइप सी केबल मिल जाती है, 2 पेयर एयर टिप्स मिलते हैं। कुछ इस तरह का केस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ जो है चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट मिलता है। पीट्रॉन की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन लाइट दी गई है। कुछ इस तरह के एयरबड आपको देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट राइट के लिए जो है एल और आर यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर पीट्रॉन का जो है आपको लोगो देखने को मिल जाता है। एयरबड को केस में डालते हैं, यहाँ पर जो है लाइट जल जाती है। इसको जो है इस तरीके से ओपन करके आप इनको जो है निकाल सकते हैं। इसका यूजर मैनुअल जो है आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। इसके कंट्रोल जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जिससे आप समझ पाएंगे किस तरीके से इसे कंट्रोल करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो इसकी वेबसाइट में जाकर भी वहां से जो है चेकआउट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में जो है इसी के माइक से आप जो है साउंड क्वालिटी सुनेंगे। आप जो साउंड आप सुन रहे हैं आप इन्हीं से सुन रहे हैं, तो किस तरह का साउंड आ रहा है नीचे जो है कमेंट में मुझे बताना। और जैसे इनको जो है आप इस केस से निकालते हैं तो ये आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर आपके फोन का ब्लूटूथ ऑन है और आपने पहले से इसके साथ पेयर किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो है ये एकदम पेयर हो जाता है। एक चार्ज में जो इनका बैटरी बैकअप है लगभग आपको जो है 2 से 2.5 घंटा देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए जो है आपको ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलता है। IPX4 की जो है इसमें आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि हल्का पानी वानी पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। मैंने इसको 500 रुपये में अमेजोन से मंगाया था। अभी के टाइम पे जो है इसकी 200-300 रुपये जो है प्राइस इंक्रीज होगी। अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, फॉलो बटन में क्लिक करना, और हाँ नीचे कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा पसंद है। तो दोस्तों लगा दूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बैठे रहना, ख्याल रखना।